गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं रश्मि सिंह आप सभी का आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप लोग के संस्कृत का सेट चल रहा है जो जेएसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, और अब तो डेट भी डिक्लेयर हो गया है, तो आप लोग को वो ज़्यादा और भी स्पीड से देखना चाहिए। कितने वीडियोज़ आ चुके हैं, जितने भी टेस्ट सीरीज वाले हैं, जो अभी 70 सेट का स्टार्ट हुआ है, आप उसको एक बार में भी रिविजन कर सकते हैं। एटलीस्ट 10 सेट आ चुके हैं, जब भी आपको टाइम मिलता है हार्डली 20-30 मिनट्स करके आप उसको देख सकते हैं। उसमें ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि मैक्सिमम एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे कि नेट जेआरएफ का एग्जाम हुआ या फिर टीजीटी पीजीटी, जो भी जिसमें भी संस्कृत ऑप्शनल है, या फिर आप पीसीएस जो है, पहले क्या होता था यूपी पीसीएस या बहुत सारे एग्जाम में ऐसा होता था, या उत्तराखंड का पेपर होता था, तो उसमें क्या होता था, मेंस में दो सब्जेक्ट होते थे, ठीक है, और कहीं कहीं पे वो ऑब्जेक्टिव होते थे, तो वैसे से भी क्वेश्चन लिया गया है। तो आप जितना हो सके क्वेश्चन देखिए, जो आ रहा है उसको आंसर कीजिए, जो नहीं आ रहा आंसर दे दिया जा रहा बाद में, तो जितना हो सके रिविजन कीजिए, क्योंकि एग्जाम को अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तो वो आपको बेनिफिशियल होगा कंप्लीट वीडियो देखना, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, देवत्रात में कौन सा समास है, देवत्रात में कौन सा समास है, इजी क्वेश्चन। ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी द्वितीय तत्पुरुष, ऑप्शन सी तृतीय तत्पुरुष, या ऑप्शन डी चतुर्थी तत्पुरुष। देवत्रात में कौन सा समास है, तो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है सी तृतीय तत्पुरुष। तो जो भी ग्रामर से क्वेश्चन आएगा वो बहुत इजी होगा, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि आप कम से कम फोर्थ या फिफ्थ क्लास से तो ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्वेश्चन गलत होने का चांस ही नहीं है। ये एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएगा करेक्ट ही आंसर करेंगे, क्योंकि वो जो स्टार्टिंग के एक दो चैप्टर है, जैसे भाषा संस्कृत साहित्य का इतिहास हुआ, वैदिक लौकिक संस्कृत, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें हैं उसमें, या वेदांग है, वैदिक साहित्य में जो ब्राह्मण है, उपनिषद है, ग्रंथ है, नाट्य उत्पत्ति है, उसमें में भी कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ग्रामर में तो कोई कंफ्यूजन का बात ही नहीं है, तो उसमें आप जितना भी करेंगे वो आपका आंसर करेक्ट होगा। तो देवत्रात में कौन सा समास है, तृतीय तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन मूल स्वर का उदाहरण है, इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा, मूल स्वर, ठीक है। तो मूल स्वर किसको बोलते हैं, जब आप स्वर व्यंजन पढ़ेंगे तो स्वर में क्या होता है, जब हम लोग स्वर पढ़ते हैं तो स्वर क्या होते हैं, जो किसी की सहायता बिना बोले जाते हैं, और व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन वर्ण कौन होते हैं, जिसमें स्वरों की सहायता ली जाती है। तो मूल स्वर भी किसको बोलेंगे, स्वर को ही बोलेंगे ना, तो इसमें आपसे पूछा जा रहा मूल स्वर का उदाहरण। ऑप्शन ए ऋण, ऋण नहीं री, ऑप्शन बी श मूर्धन्य श, ऑप्शन सी व, या ऑप्शन डी ट। तो इसमें आपको क्या बताना है, मूल स्वर कौन से हैं, तो मूल स्वर कौन से है इसमें, ऑप्शन ए री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अंकों को जवनिकांतर कहा जाता है, ऑप्शन ए नाटिका, ऑप्शन बी इहामृग, ऑप्शन सी समवकार, या ऑप्शन डी सट्टक। तो करेक्ट आंसर क्या है, निम्नलिखित में से किसके अंकों को जवनिकांतर कहा जाता है, तो किसके अंकों को कहा जाता है, ऑप्शन ए नाटिका, बी इहामृग, सी समवकार, या डी सट्टक। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, डी सट्टक। नेक्स्ट क्वेश्चन, औषधि सूक्त निम्नलिखित में से किसमें दिया गया है, औषधि सूक्त निम्नलिखित में से किसमें दिया गया है। अगर आपने वो ब्राह्मण आरण्यक वाला जो चैप्टर है, अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, उसमें डिटेल में बताया गया है कि सूक्त कितने सूक्त है, कौन सा मंत्र कहाँ है, कितनी कंडिकाएं हैं, ये सारा डिटेल में जो फैक्चुअल बातें हैं वो उसमें डिस्कस कर दी गई हैं। तो आप प्लीज उसको देखिए और ट्राई टू वॉच द कंप्लीट वीडियो। जो भी आप वीडियो देख रहे हैं पूरा देखेंगे तभी आप जो क्वेश्चन है, अगर आप गेस वर्क भी करेंगे तभी आपसे सही हो पाएगा। तो क्वेश्चन क्या है आपका, औषधि सूक्त निम्नलिखित में से किसमें दिया गया है, ऑप्शन ए सतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन बी तैत्रीय ब्राह्मण, ऑप्शन सी
ऋग्वेद या ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो ये किसमें दिया गया है? ऑप्शन बी तैत्रीय ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में यवन राज्य का बीजारोपण किसने किया? भारत में यवन राज्य का बीजारोपण किसने किया? ये आपके शिवराज विजयम से ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपको बुक पढ़ना है, आपके सिलेबस में दिया हुआ है। शिवराज विजयम का के बारे में पूरा स्टोरी जानना आपके लिए जरूरी है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन ए शिहाबुद्दीन, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन, ऑप्शन सी महमूद गजनवी या डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में यवन राज्य का बीजारोपण शिहाबुद्दीन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांत्रेय व्याकरण के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सर्ववर्मा, ऑप्शन बी सालीवाहन, ऑप्शन सी सबर स्वामी या ऑप्शन डी सूद्रक। करेक्ट आंसर क्या है? सर्ववर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रद्युम्न किसके पुत्र थे? ऑप्शन ए श्री कृष्ण, ऑप्शन बी लक्ष्मण, ऑप्शन सी अर्जुन या ऑप्शन डी दुर्योधन। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए श्री कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश में कौन सी संधि है? गणेश में कौन सी संधि है? ए वृद्धि संधि, बी गुण संधि, सी अयादि संधि या डी दीर्घ संधि। तो करेक्ट आंसर क्या है? आप गणेश की संधि विच्छेद कीजिए, गण जोड़ इस, तो गणेश, तो इसमें कौन सा संधि हो रहा है? गुण संधि। नाइन्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है? आपने माहेश्वर सूत्र का पढ़ा होगा, माहेश्वर सूत्र में जितने प्रत्याहार है वो आपको पढ़ने हैं और उसमें उच्चारण स्थान भी करवाया गया है, तो वो एक बार आप देख लीजिएगा अगर आपको उच्चारण स्थान वाले चैप्टर में प्रॉब्लम है। वैसे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बहुत ईजी है और वो हिंदी ग्रामर में भी आपने पढ़ा ही होगा। तो निम्नलिखित में से कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है? ए दंत स, बी तालव्य श, सी मूर्धन्य श या डी सभी। तो तालु से कौन से उच्चारित होते हैं? तालव्यश, ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तच्छिव में कौन से संधि सूत्र का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए झलाम जशो अंते, ऑप्शन बी तोड़ली, ऑप्शन सी खरीच या ऑप्शन डी झरो झरी सवर्णे। ये जितने भी हैं ये सूत्र के नाम दिए हुए हैं, अगर आप संधि पढ़ रहे हैं तो उसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि सभी के सूत्र भी पढ़ने हैं आपको विथ एग्जाम्पल। एक बार आप सूत्र विथ एग्जाम्पल पढ़ लेंगे तो आपको ये ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले संधि सूत्र बताने के लिए आपको संधि करना पड़ेगा, तो आप इसका संधि कीजिए। तच्छ जोड़ शिव होगा तो इसमें कौन सा सूत्र आ रहा है? खरीच सूत्र आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अनुकरण सिद्धांत का उपहास करने के लिए उसे बाऊ बाऊ सिद्धांत कहा है? तो निम्नलिखित क्वेश्चन क्या आपका, किसने अनुकरण सिद्धांत का उपहास करने के लिए मतलब व्यंग करने के लिए, मजाक बनाने के लिए किसने उसे बाऊ बाऊ सिद्धांत कहा है? तो किसने कहा है? अब इंडियन का मजाक तो कोई फॉरेनर ही उड़ाएंगे ना, तो नाम देखिए आप कौन सा है। ऑप्शन ए मैक्स मुलर, ऑप्शन बी विटनी, ऑप्शन सी पॉल या ऑप्शन डी हर्डर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति प्रिय और विद्वानों को सम्मान करने वाला बादशाह कौन था? शांति प्रिय और विद्वानों मतलब कौन सा बादशाह था जो शांति प्रिय था और विद्वानों का सम्मान करता था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी बाबर या ऑप्शन डी औरंगजेब। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भाषा शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है?
भाषा शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ए विभाषा शास्त्र, बी ब्रह्म पुराण, सी निरुक्त या डी व्याकरण। तो भाषा शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा हो जाएगा, क्या नाम होगा इसका? ऑप्शन सी निरुक्त। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवराज्य विजयम के अनुसार मूर्तिमान कलयुग के समान कौन था? ऑप्शन ए शाइस्ता खां, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक या ऑप्शन डी औरंगजेब। तो कौन था? ऑप्शन डी औरंगजेब क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गज स्थूल में कौन सा समास है? गज स्थूल मतलब हाथी, गज मतलब हाथी, स्थूल मतलब मोटा, तो आप इसका विग्रह करेंगे तो समझ में आ जाएगा कौन सा समास है। ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी अलूक समास या ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? कर्मधारय समास किसको बोलते हैं हम लोग, जिसमें विशेषण विशेष्य या उपमा उपमेय का भाव रहता है। तो गज स्थूल मतलब गज के समान मोटा, तो ये कौन सा समास हो गया? कर्मधारय समास। ठीक है, ग्रामर के क्वेश्चन ऐसे होंगे कि अगर 10 क्वेश्चन भी आते हैं आपको, 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 है तो 3 मार्क्स ईच अगर आपको आ रहा है तो आप 30 मार्क्स तो इजीली स्कोर कर लोगे, क्योंकि ग्रामर में ऐसा कुछ भी टफ नहीं है, ना कुछ नया ऐड होता है कि नया कोई करंट अफेयर हर महीने ऐड हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो आप पहले पढ़े थे संधि, वो अभी भी वही संधि होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। समास कारक जितने भी है सब में कोई चेंज नहीं हो रहा है, जो जैसा था वो वैसा ही रहेगा। वैसे पूरा संस्कृत का सिलेबस ही एज इट इज ही है, चाहे आप 50 साल पुराना उठा के पढ़ें या अभी का पढ़ें, वही चीज है। ना शकुंतला में कोई चेंज होगा, ना उत्तर रामचरितम में कुछ चेंज होगा, जो जैसा है, जो स्टोरी था या जो श्लोक जितने सर्ग में आपको पढ़ने थे वो वैसे ही रहेंगे। ठीक है, तो आप अगर बहुत लोग तो हैं जिनका सिलेबस बहुत बार कंप्लीट हो चुका है, 2016, 19, 21, 23 से वो सिलेबस पढ़ पढ़ के कंप्लीट कर चुके हैं, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो कुछ ऐसे होंगे जिसने 2021 या 22 में पढ़ना स्टार्ट किया है, या अभी अभी इस बार जो फॉर्म फिलअप किए हैं, तो उनके लिए है कि आप एक बार वीडियो सारा देख लें, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लें, और जो 25 सेट का क्वेश्चन बना हुआ है 1000 क्वेश्चन, अगर आपको कहीं कुछ नहीं मिल रहा पढ़ने को, तो आप वो 1000 क्वेश्चन का सेट दिया हुआ, आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सेट दिया हुआ, सेट 1, सेट 2, सेट 3 करके ऐसे 25 सेट दिए हुए हैं, और हर सेट में क्या है 40 क्वेश्चन है, तो आप उसमें से डेली 40 क्वेश्चन भी पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि आप लोग सबको पता है कि आपको पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 सब में पासिंग मार्क्स क्या क्वालिफाइंग, जैसे पेपर 1 में तो करना ही है, तभी आपके पेपर 2 चेक होगा, पेपर 2 में भी आपको मोर देन 30% लाना ही है, तभी आपका पेपर 3 चेक होगा, और पेपर 2 में तो वैसे भी आपका स्कोर उसी पर डिपेंड करता है। तो कुछ भी नहीं मिल रहा तो आप 1000 क्वेश्चन सेट का सीरीज देख लीजिए, ये जो 70 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा वो देख लीजिए, इससे आप ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो वही आ जाएंगे, क्योंकि ना सिलेबस चेंज हुआ है ना कुछ चेंज हुआ, तो जितना हो सके आप वीडियोस को बार बार देखिए, उससे क्या होगा क्वेश्चन रिवीजन होता रहेगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, शालिक नाथ के गुरु का नाम क्या था? ऑप्शन ए पराशर, ऑप्शन बी आसुरी, ऑप्शन सी कण्व या ऑप्शन डी प्रभाकर मिश्र। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी प्रभाकर मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव महम स्रोत की रचना मुख्यतः किस छंद में की गई है? ऑप्शन ए स्तकधरा, ऑप्शन बी शिखारिणी, ऑप्शन सी वंशस्थ या ऑप्शन डी मंदाक्रांता। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी शिखारणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दात्री में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए ईप प्रत्यय, ऑप्शन बी इंश प्रत्यय, ऑप्शन सी अण प्रत्यय या ऑप्शन डी ठन प्रत्यय। तो ये सब तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर है ए ईप प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, रत्नावली के प्रथम अंक का क्या नाम है? रत्नावली के प्रथम अंक का क्या नाम है? ए
चित्र दर्शन, ऑप्शन बी मदन महोत्सव, ऑप्शन सी कदली गृहम, ऑप्शन डी संकेतक। तो क्या नाम है? मदन महोत्सव रत्नावली के प्रथम अंक का नाम है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका शिवराज विजयम से है। शिवराज विजयम के अनुसार साक्षात शरीरधारी अधर्म के समान कौन है? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी शाइस्ता खां, ऑप्शन सी बाबर या ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन। करेक्ट आंसर क्या है इसका? औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध स्थानेश्वर नामक स्थान से है? किस कवि का संबंध स्थानेश्वर नामक स्थान से है? ऑप्शन ए कुमारदास, ऑप्शन बी पाणिनि, ऑप्शन सी हर्ष या ऑप्शन डी अमरूक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर है हर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राग्य और काशीराज अजात शत्रु के संवाद के माध्यम से आत्मा के स्वरूप का विवेचन किस उपनिषद में मिलता है? ग्राग्य और काशीराज अजात शत्रु के संवाद के माध्यम से आत्मा के स्वरूप का विवेचन किस उपनिषद में मिलता है? ऑप्शन ए बृहदारण्यक, ऑप्शन बी ऐत्रेय, ऑप्शन सी छांदोग्य, ऑप्शन डी तैत्रीय। तो करेक्ट आंसर क्या है? बृहदारण्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आर्ष रामायण के नाम से भी जाना जाता है? क्या है? आर्ष रामायण के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए योग वशिष्ठ, ऑप्शन बी भुशुंडी रामायण, ऑप्शन सी रावण वध या ऑप्शन डी महाभारत। तो किसको जाना जाता है? योग वशिष्ठ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको क्या करना है? दो कॉलम दिए हैं, उसमें आपको जो सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। ऑप्शन ए प्रतिज्ञा योगंधरायण, ऑप्शन डैश देखे है भाष, मतलब ये सही सुमेलित है या नहीं वो आपको बताना है। ऑप्शन बी रत्नावली राजशेखर, ऑप्शन सी रामाभ्युदय यशोवर्मा या ऑप्शन डी प्रबोध चंद्रोदय कृष्ण मिश्र। तो इसमें से जो सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है में हो जाएगा आपका बी, रत्नावली का क्या होगा? श्री हर्ष होगा, राजशेखर नहीं होगा। ठीक है, ये आपका 25 नंबर का क्वेश्चन है, आवाम वनम गच्छेव। ठीक है, इसमें आपको बताना क्या है कि ये किस लकार का वाक्य है? लकार मतलब जो हम लोग लट लकार, लंग लकार, विध लिंग, लोट लकार ये जो पढ़ते हैं, तो उसमें आपको बताना है आवाम वनम गच्छेव ये किस लकार का वाक्य है। ऑप्शन ए विधलिंग, ऑप्शन बी लट लकार, ऑप्शन सी लंग लकार या ऑप्शन डी लोट लकार। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है ए विधलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक का नाम दिया हुआ है, ग्रामर ऑफ हिंदी लैंग्वेज किसकी रचना है? ग्रामर ऑफ हिंदी लैंग्वेज किसकी रचना है? ऑप्शन ए कॉडवेल, ऑप्शन बी कैलॉग, ऑप्शन सी आर जी भंडारकर या ऑप्शन डी टर्नर। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? करेक्ट आंसर है कैलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सट्टक में अंकों की संख्या कितनी होती है? सट्टक में अंकों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन समास से है,
निम्नलिखित में से कौन नए समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए विपक्ष, ऑप्शन बी अधर्म, ऑप्शन सी दुर्जन या ऑप्शन डी विपक्ष। तो करेक्ट आंसर क्या है, आपको क्या बताना है? नई समास का उदाहरण करेक्ट आंसर क्या है? अधर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषि भारद्वाज का आश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? ऋषि भारद्वाज का आश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी संगम या ऑप्शन डी ब्राह्मणी। तो करेक्ट आंसर क्या है? संगम, प्रयागराज में। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मृगराज के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मम्मट, ऑप्शन बी सूद्रक, ऑप्शन सी भट्ट नारायण या ऑप्शन डी गौतमी। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी भट्ट नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवदत्त नामक संघ किससे संबंधित है? देवदत्त नामक संघ किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भीम, ऑप्शन बी भीष्म, ऑप्शन सी अर्जुन या ऑप्शन डी कर्ण। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी अर्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब परा उपसर्ग के साथ जी धातु का प्रयोग किया जाता है तब कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए प्रथमा, ऑप्शन बी पंचमी, ऑप्शन सी तृतीया या ऑप्शन डी षष्ठी। तो करेक्ट आंसर क्या है? बी पंचमी विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कवि का मातृ गोत्र दक्ष होने के कारण इन्हें दाक्षी पुत्र कहा गया? मतलब किनकी मम्मी का गोत्र क्या था? दक्ष था। तो निम्नलिखित में से किस कवि का मातृ गोत्र दक्ष होने के कारण उन्हें दाक्षी पुत्र कहा गया? ऑप्शन ए पाणिनि, ऑप्शन बी कात्यायन, ऑप्शन सी पतंजलि या ऑप्शन डी भास। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शिवाजी का विशेषण कौन सा है? मतलब किस विशेषण से शिवाजी को बुलाया जाता था? ऑप्शन ए कुल भवनम कौशलाम। आप ये जो शिवराज विजयम बुक पढ़ेंगे, जो आपको सिलेबस में दिया हुआ शिशुपाल वधम शिवराज विजयम, तो ये वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उससे ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से शिवाजी का विशेषण है कुल भवनम कौशलाम, ये ऑप्शन ए था। ऑप्शन बी स्वधर्म अग्र गहिल, ऑप्शन सी परावार परमोत्साहनाम या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ऐसे जब होते हैं तो इस केस में आंसर क्या होता है? उपयुक्त सभी, मतलब जितने भी हैं सब शिवाजी के विशेषण हैं। कुल भवनम कौशलाम, स्वधर्म गहिल, परावार परमोत्साहनाम, सारे किनके विशेषण है? शिवाजी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा दुर्विनीत का संबंध किस गोत्र से है? राजा दुर्विनीत का संबंध किस गोत्र से है? ऑप्शन ए पल्लव, ऑप्शन बी चालुक्य, ऑप्शन सी चंदेल या ऑप्शन डी गंग। तो किस गोत्र से है? करेक्ट आंसर हो जाएगा गंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवराज विजयम के अनुसार आपको बताना है, शिवराज विजयम में विरामों की संख्या कितनी है? शिवराज विजयम में विरामों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 7। तो कितनी है? करेक्ट आंसर है ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंगार शतकम में श्लोकों की संख्या कितनी है? श्रृंगार शतकम में श्लोकों की संख्या कितनी है? ए 100, बी 101, सी 102 या डी 103। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 103। नेक्स्ट क्वेश्चन, भवानी में कौन सा प्रत्यय है?
क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, भवानी में कौन सा प्रत्यय है? ए खच प्रत्यय, बी ल्यूट प्रत्यय, सी इंच प्रत्यय या डी ल्यप प्रत्यय। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इंच प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को मनोभाव व्यभिजना जातकवाद भी कहा जाता है? मनोभाव व्यभिजनक जातकवाद भी कहा जाता है, किस सिद्धांत को कहा जाता है? ऑप्शन ए रण सिद्धांत, ऑप्शन बी संकेत सिद्धांत, ऑप्शन सी आवेग सिद्धांत या ऑप्शन डी संपर्क सिद्धांत। तो करेक्ट आंसर क्या है? आवेग सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भयानक रस का वर्ण क्या है? भयानक रस का वर्ण क्या है? आप इसमें देख रहे होंगे कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। कुछ क्वेश्चन तो बहुत इजी है। अब जैसे रस, रस के देवता और रस के कलर, ये तो सभी को याद होगा। तो भयानक रस का वर्ण क्या है? ए रक्त वर्ण, बी पीत, सी सुवर्ण या डी कृष्ण। करेक्ट आंसर है डी कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यम वा साधेयम, देहम वा पातेयम, यह सारगर्भित प्रतिज्ञा किसकी थी? ऑप्शन ए रघुवीर सिंह, ऑप्शन बी गौर सिंह, ऑप्शन सी शिवाजी या ऑप्शन डी श्याम सिंह। तो यह किसकी प्रतिज्ञा थी? यह शिवाजी की प्रतिज्ञा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्यवाणी चक्रवर्ती किस कवि की उपाधि है? वैश्यवाणी चक्रवर्ती किस कवि की उपाधि है? क्वेश्चन नंबर 42 है। ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी भारवी, ऑप्शन सी भास या ऑप्शन डी भवभूति। तो ये किसकी उपाधि है? बाणभट्ट की उपाधि है। क्वेश्चन नंबर 43, शिवाजी के काल में अलाउद्दीन की उपाधि धारण करने वाला कौन था? शिवाजी के काल में अलाउद्दीन नहीं होगा, आलमगीर होगा, यहाँ पे तो थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। शिवाजी के काल में आलमगीर की उपाधि धारण करने वाला कौन था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी बाबर या ऑप्शन डी शाइस्ता खां। क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? औरंगजेब। औरंगजेब ने ही आलमगीर की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृच्छकटिकम का उपजीव ग्रंथ कौन सा है? मृच्छकटिकम का उपजीव ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए ललित विस्तर, ऑप्शन बी भागवत पुराण, ऑप्शन सी नल दमयंती, ऑप्शन सी चारुदत्तम। करेक्ट आंसर क्या है? 44 का डी चारुदत्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयदेव का संबंध किस संप्रदाय से है? जिन्होंने गीत गोविंदम लिखा है उनका पूछा जा रहा है कि जयदेव का संबंध किस संप्रदाय से है। ए शैव, बी वैष्णव, ऑप्शन सी ब्रह्म या ऑप्शन डी आदित्य। तो किससे संबंधित है? वैष्णव संप्रदाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन संधि से है, षड् जोड़ नाम, ठीक है, इसका संधि क्या बनेगा? षण नाम ऑप्शन ए, ऑप्शन बी षण नाम, ऑप्शन सी शश नाम, शश नाम या ऑप्शन डी षण्डम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सन नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, असमीय भाषा का प्राचीनतम काव्य कौन सा है? असमीय भाषा का प्राचीनतम काव्य कौन सा है? ए ऑप्शन ए है आपका प्रहलाद चरित्र, ऑप्शन बी वैष्णव वंश, ऑप्शन सी हरि कीर्तिका या ऑप्शन डी सहजोरी सालो। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्रहलाद चरित्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पुत्राद प्रमोदो जायते, इसमें ये जो वाक्य, इसमें कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन ए तृतीया विभक्ति, ऑप्शन बी चतुर्थी विभक्ति, ऑप्शन सी पंचमी विभक्ति, या ऑप्शन डी षष्ठी विभक्ति। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पंचमी विभक्ति। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समास का उदाहरण है? मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन है? ऑप्शन ए अजपाद, ऑप्शन बी अपुत्र, ऑप्शन सी छायातरु, या ऑप्शन डी अभूतपूर्व। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? छायातरु, ऑप्शन सी। 50 नंबर क्वेश्चन, समुद्र मंथन किसकी रचना है? समुद्र मंथन किसकी रचना है? ए वत्सराज, ऑप्शन बी उद्भट, ऑप्शन सी सुभट, या ऑप्शन डी विश्वनाथ। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी उद्भट। जो लोग आज फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता देती हूँ कि ये प्रैक्टिस सेट जो है 70 क्वेश्चन का जो सेट है, ये ऑलरेडी 10 डिस्कस हो चुके हैं। तो जो लोग आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लेलिस्ट में जाके बाकी के वीडियोस भी देख लीजिए। एटलीस्ट आपको 700 न्यू क्वेश्चंस मिल जाएगा, और इसके साथ साथ 25 सेट्स क्वेश्चन और है, मतलब 1000। तो अभी आपको 2000 क्वेश्चन तो ऐसे ही मिल रहा, आपके एग्जाम में आएंगे ओनली 100 क्वेश्चन। तो 2000 क्वेश्चन का सेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि आपको कहीं अभी अवेलेबल नहीं होगा। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी संस्कृत से रिलेटेड लैंग्वेज वाले वीडियो हैं, जिनका लैंग्वेज पेपर 2 है, मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि अगर आपका पेपर 2 संस्कृत है, तो आपको सारा मटेरियल यहाँ पे आप मिल सकता है, आप पढ़ सकते हैं और अपना रिविजन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पेपर 3 के लिए भी 15-20 सेट्स दिए हुए हैं, जिसमें आपके GS का पूरा मैटर दिया हुआ, क्वेश्चन सीरीज टाइप दिया हुआ है, जैसा मॉडल सेट क्वेश्चन में आता है, जिसमें कि आपका GS से, साइंस से, कंप्यूटर साइंस से, मैथ रीजनिंग और झारखंड स्पेशल, सबके क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 है, हर सेट में 150 का सेट दिया हुआ है। आप सारा क्वेश्चन देखकर एक बार रिविजन कर सकते हैं, जो कि CGL पैटर्न पे ही बना है, JSSC CGL में जो आपका पेपर 3 आएगा। अगर आप लेडी सुपरवाइजर का भी फॉर्म भरे हैं, तो उसके लिए आप, अगर आपने संस्कृत लैंग्वेज रखा है, तो वो भी आपको काम आएगा, और पेपर 3 तो आपको पढ़ना ही है। ऑलरेडी बहुत लोग पेपर 3 तो कवर कर ही चुके होंगे, तो वो वीडियो देख के आप अपना रिविजन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ झारखंड करंट अफेयर और झारखंड स्पेशल का भी वीडियो डला हुआ है, आप वो देख के झारखंड करंट का मैटर कवर कर सकते हैं। तो वो सारे वीडियोस आपके एग्जाम पर्पस से ही बने हुए, जितने भी अपकमिंग एग्जाम है CGL से रिलेटेड या झारखंड में जो भी एग्जाम है, उसमें सबके लिए बेनिफिशियल होगा। तो जो भी वीडियो देखें, वो कंप्लीट वीडियो देखें, तभी आपको उस चीज का बेनिफिट हो सकता है। नहीं तो इनकम्प्लीट देखने से, मतलब कि अगर आप कोई भी चीज पढ़ रहे तो कंप्लीटली पढ़ेंगे तभी तो याद रहेगा ना। अगर थोड़ा सा देखें NMT वेसस मेक मच नॉइज, थोड़ा सा देखें तो आपको समझ में नहीं आएगा। या तो पूरा देखिए तभी आप किसी को लेक्चर दे सकते हैं, नहीं तो थोड़ा देखिए, बोलने से क्या हो जाता है, आप ही को पूरा ज्ञान नहीं है तो किसी और को आप क्या ज्ञान देंगे। तो पहले आप अपना पूरा कंप्लीट कर लीजिए, जितना भी वीडियोज है, या संस्कृत रिलेटेड है या GS रिलेटेड है, जो भी आप देख रहे हैं पूरा कंप्लीट देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वराक में कौन सा प्रत्यय है? वराक में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए अलूच, ऑप्शन बी इश्नूच, ऑप्शन सी साकन, या ऑप्शन डी मतुप। करेक्ट आंसर क्या है? शाकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयदेव का संबंध किस संप्रदाय से है? ऑप्शन ए रस संप्रदाय, ऑप्शन बी अलंकार संप्रदाय, ऑप्शन सी रीति संप्रदाय, या ऑप्शन डी वक्रोक्ति संप्रदाय। करेक्ट आंसर क्या है? जयदेव का संबंध किससे है? अलंकार संप्रदाय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाक्यात अपादानमत अंत्यम प्रविवेको न कश्चन, इस कथन का संबंध किसके साथ है? ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी आपको किसी वेद से, किसी उपनिषद से भी कोई पंक्ति उठाकर दिया जाएगा और पूछा जा सकता है कि ये किससे संबंधित है।
तो ये जो वाक्य है आपका वाक्यात अपादानम अत्यंतम प्रविवेको न कश्चन, इस कथन का संबंध किसके साथ है? ऑप्शन ए दंडी, ऑप्शन बी भर्तृहरि, ऑप्शन सी भामह या ऑप्शन डी व्यास। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी भर्तृहरि। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका संधि से है, अतो रोलुप्त लुप्ते प्लूते किस संधि का सूत्र है? अतो रोरुप्त प्लूते किस संधि का सूत्र है? ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी विसर्ग संधि, ऑप्शन सी व्यंजन संधि या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन बी विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर रचितम के नायक का क्या नाम है? ऑप्शन ए महावीर स्वामी, ऑप्शन बी श्री राम, ऑप्शन सी वर्धमान या ऑप्शन डी ऋषभ देव। तो करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 55, महावीर रचितम के नायक कौन है? श्री राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद कल्पतरु पत्रिका का प्रकाशन किस स्थान से होता है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी शिमला या ऑप्शन डी कोयम्बटूर। तो 56 का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी कोयम्बटूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारक से, पुष्पेभ्य स्पृहति में कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन ए चतुर्थी विभक्ति, ऑप्शन बी पंचमी विभक्ति, ऑप्शन सी षष्ठी विभक्ति या ऑप्शन डी सप्तमी विभक्ति। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए चतुर्थी विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन रघुवंशम से है, रघुवंशम में कौन से छंदों का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए शिकारिणी आर्या, ऑप्शन बी अनुष्टुप वंशस्थ, ऑप्शन सी वंशस्थ उपजाति या ऑप्शन डी उपजाति अनुष्टुप। तो कौन से छंद का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन डी उपजाति अनुष्टुप। अब तक ऐसे क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रामर से है, वयम पुस्तकम पठिष्यामः यह किस लकार का वाक्य है? ऑप्शन ए विधलिंग, ऑप्शन बी लिट लकार, ऑप्शन सी लोट लकार या ऑप्शन डी लंग लकार। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लिट लकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भाषा को तृतीय प्राकृत कहा जाता है? तृतीय प्राकृत, निम्नलिखित में से किस भाषा को तृतीय प्राकृत कहा जाता है? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी शिलालेखी, ऑप्शन सी प्राकृत या ऑप्शन डी अपभ्रंश। तो करेक्ट आंसर क्या है? अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत भी कहा जाता है। ये आपके जो भाषा का उद्भव और विकास वाला चैप्टर है, भारूपीय भाषा आर्य भाषा, उससे ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विष्णु शर्मा किस राजा के राजाश्रित कवि थे? विष्णु शर्मा किस राजा के राजाश्रित कवि थे? ऑप्शन ए धवल चंद्र जी बंगाल के, ऑप्शन बी श्रीधर सेन वल्लभी के, ऑप्शन सी अमर सिंह महिला रोपे के या ऑप्शन डी अनंत कश्मीर के। तो विष्णु शर्मा किस राजा के राजाश्रित कवि थे? करेक्ट आंसर है अमर सिंह महिला रोपे, जगह का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रत्यय से, छिरिका में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय का डिटेल अगर किसी को पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देखिए, चार पार्ट में प्रत्यय समझाया गया है। उसी तरीके से संधि का दिया हुआ है, समास का दिया हुआ है, हर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। छिरिका में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए ठन प्रत्यय, ऑप्शन बी इतच प्रत्यय,
ऑप्शन सी त्व प्रत्यय या ऑप्शन डी तल प्रत्यय। करेक्ट आंसर क्या है? ठन प्रत्यय, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरातार्जुन नियम से। किरातार्जुन नियम में प्रधान रस कौन सा है? ऑप्शन ए करुण रस, ऑप्शन बी वीर रस, ऑप्शन सी शांत रस या ऑप्शन डी अद्भुत रस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अब किरातार्जुन नियम महाभारत का है तो वीर रस ही होगा ऑब्वियसली, तो करेक्ट आंसर क्या है? वीर रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजदेव तथा रमा देवी किस कवि के पिता तथा माता का नाम है? भोजदेव पिता का नाम और रमा देवी मतलब किस कवि के माता पिता का नाम है ये? ऑप्शन ए रत्नाकर, ऑप्शन बी जयदेव, ऑप्शन सी मुरारी या ऑप्शन डी क्षमाराव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जयदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर शिवराज विजय से है। शिवराज विजयम के अनुसार महाराष्ट्र देश रत्न कौन है? शिवराज विजयम के अनुसार महाराष्ट्र देश के रत्न कौन है? ऑप्शन ए श्याम सिंह, ऑप्शन बी रघुवीर सिंह, ऑप्शन सी गौर सिंह या ऑप्शन डी शिवाजी। तो कौन होंगे शिवराज विजयम के अनुसार? शिवाजी ही होंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? शिवाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस गंगाधर का विभाजन हुआ है ऑप्शन ए पंच आनन में। किसका? रस गंगाधर का विभाजन कब हुआ है? पंच आनन में, ऑप्शन बी दो आनन में, ऑप्शन सी षष्ठ आनन में या ऑप्शन डी त्रय आनन में। तो करेक्ट आंसर क्या है? दो आनन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिविश्च किस विभक्ति का विधायक सूत्र है? ऑप्शन ए प्रथमा, ऑप्शन बी द्वितीया, ऑप्शन सी तृतीया या ऑप्शन डी चतुर्थी। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी द्वितीया विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच भाषा किस परिवार से संबंधित है? फ्रेंच भाषा किस परिवार से संबंधित है? ऑप्शन ए काकेशी, ऑप्शन बी चीनी, ऑप्शन सी जापानी या ऑप्शन डी भारोपीय। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी भारोपीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवराज विजयम के अनुसार शिवाजी विविध आशाओं के एकमात्र आश्रय हैं। किसके? ऑप्शन ए में है। किसके हैं वो? ऑप्शन ए सतियों के, ऑप्शन बी सज्जनों के, ऑप्शन सी आर्य कुल के या ऑप्शन डी सभी के। शिवराज विजयम के अनुसार शिवाजी विविध आशाओं के एकमात्र आश्रय हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी के। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसने गवालंब यज्ञ का संपादन किया था? निम्नलिखित में से किसने गवालंब यज्ञ का संपादन किया था? ऑप्शन ए दंती दुर्ग ने, ऑप्शन बी रंती देव ने, ऑप्शन सी श्री राम ने या ऑप्शन डी युधिष्ठिर ने। तो किसने किया था गवालंब यज्ञ का संपादन? किसने किया था? करेक्ट आंसर है रंती देव ने। तो यहाँ पे आपका 70 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट हो रहा है। ऑलरेडी 10 क्वेश्चंस, 10 प्रैक्टिस सेट या मॉडल सेट डल चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए और अपना रिवीजन कंटिन्यू कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड स्टे ट्यून्ड फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।